बड़े काम का है। सिलेंडर के नीचे बना ये छोटा सा छेद 99% लोग नहीं जानते इसका रोल। जानेंगे पूरी जानकारी। तब तक आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम में से ज्यादातर लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता होगा। आपने कभी गौर किया होगा तो गैस सिलेंडर के नीचे बने रिंग वाले हिस्से पर छेद देखने को मिलता है। क्या आपको पता है कि इन छेद का काम क्या है? मौजूदा दौर में LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में देखने को मिलता है। LPG गैस सिलेंडर की मदद से खाना तेजी से बनता है और लकड़ी के चूल्हे की अपेक्षा प्रदूषण भी कम फैलता है। सिलेंडर हमारे काम को जरूर आसान कर देता है, लेकिन इसकी देखरेख ठीक से करना भी जरूरी है, वरना सिलेंडर फटने की वजह से कई बड़ी जानलेवा दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। सिलेंडर बनाने वाली कंपनियां इस बात की जिम्मेदारी लेती हैं कि वो जो सिलेंडर लोगों तक पहुंचा रही हैं, वो बेहद सुरक्षित हो। सुरक्षा को देखते हुए सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर छोटे छेद किए जाते हैं। क्या आपको पता है ये किस तरह आपको सुरक्षा देता है? क्यों होता है सिलेंडर के नीचे छेद? आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर खरीद लीजिए, सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर आपको छेद जरूर नजर आएंगे। इनका काम सिलेंडर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। कभी कभी सिलेंडर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तब इस छेद का काम हवा को पास करने का होता है, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आम भाषा में कहें तो ये छेद किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक देता है। इसके अलावा आपने ज्यादातर सिलेंडर को लाल रंग में रंगा हुआ देखा होगा। आपको बता दें कि ज्यादातर सिलेंडर को इसलिए लाल रंग से रंगा जाता है ताकि उसकी दूर से ही पहचान की जा सके। गैस में क्यों होती है बदबू? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिससे आप अपना खाना पकाते हैं वह LPG गंधहीन गैस होती है, लेकिन फिर भी इसमें बदबू के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसकी वजह से गैस में बदबू होती है। इस खास एलिमेंट की वजह से गैस के लीकेज का पता चलता है और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।